गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाँ जी, सो कल हम लोगों ने कंपीटेंसी के बारे में पढ़ा था, दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट थ्री. कौन से तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते? माइनर, ल्यूनाटिक, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इन तीन को छोड़ के बाकी सभी लोग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, है ना. अब सी नेक्स्ट पार्ट देखना, फ्री इन कंसेंट. व्हाट डू मीन बाय फ्री इन कंसेंट? मतलब जो ऑफरर ऑफरी है, जो पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री किए हैं, दे हैव गिवन इट इन देयर फ्री कंसेंट. मतलब कोई किस तरीके का पुल प्रेशर कुछ भी नहीं था, दोनों ने अपनी इच्छा से वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट. मतलब दे हैव अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझ कर फिर उन्होंने अपना कंसेंट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है, इज व्हाट यू मीन बाय फ्री कंसेंट, है ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं होता है, मतलब किसी से ज़बरदस्ती अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, सो कैन दैट कॉन्ट्रैक्ट बी रेंडर्ड वैलिड? उसे वैलिड ट्रीट कर सकते हो क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा ही नहीं थी, राइट. तो ज़बरदस्ती अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा. इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, है ना. तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट पार्टीज का नहीं होता है, राइट. कौन कौन से ऐसे केसेज हैं जिसमें अगर ये सर्कमस्टांसेज एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, राइट. मतलब एक्सेप्शंस पढ़ रहे हो आप फ्री कंसेंट के, ठीक है. चलिए चेक करते हैं ज़रा एक एक करके. पहला, कोएर्शन. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कोएर्शन? कोएर्शन मतलब डरा धमका के. अगर आपने किसी को धमकाया और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, इज टिपिकली अ कोएर्सिव कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, मूवीज में आप देखते हो, ब्लैकमेल कर लेते हैं, बंदूक की नोक पे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, है ना. अभी जैसे कोई सी भी सिंघम वाली कोई सी भी सीरीज देखना, सब में यही दिखाया हुआ है कि वो धमकाता है दूसरी पार्टी को और उसे ज़बरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, है ना. अभी इसमें भी ऐसे कुछ था ना, सिंघम आपकी है, सिम्बा सिम्बा सिम्बा, हाँ, नॉट सिंघम, सिम्बा में वैसे ही बताया ना, वो अंकल जी के किसी, क्या वो ग्रैंड सन डॉटर कौन रहता है, ग्रैंड डॉटर, उसको हाँ भी किडनैप विडनैप कर लेते हैं और ऐसे दिखाया कि ज़बरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, है ना. सो कोएर्शन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पार्टीज़ ने किसी पुल या प्रेशर में आकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कोएर्सिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अच्छा, कैसे लॉ को कैसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोएर्सिव है, इट इज़ नॉट फ्री? मतलब अगर आप कोर्ट की बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्री कंसेंट होना चाहिए. अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोएर्सिव है, मतलब अगर आपने किसी को धमकाया है, राइट, और अगर आपने ज़बरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, यार वो बहुत सही सीन था, मेरे को तो वही याद आता है. सिंगम फर्स्ट वाली जो आई थी ना, उसमें अगर आपको याद हो ना, वैसे वो वहाँ वो दादाजी रहते हैं बिल्कुल बूढ़े से, और वो उनके बहुत सारे चिंटू पिंटू रहते हैं, मतलब उनके चिंटू के बहुत सारे चिंटू पिंटू, है ना, उनके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर रहते हैं वो सब इकड़म दुकड़म. तो वो आता है अपना, क्या नाम है उसका, जयकांत शिकरे, है ना, और बोलता है कि जहाँ मैंने तुम्हारे बेटे को पहुँचाया, वहाँ मैं तुम्हारे ये सब पोते पोतियों को भी पहुँचा दूंगा. और बोलता है कि वो प्रॉपर्टी का पेपर साइन कर दो, नहीं तो वो भी सब खत्म हो जाएंगे. और वो फिर दादाजी प्रेशर में आके कि भाई अब यही बच्चे में अपने पास यही एक अपनी एसेट है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर देते हैं दादाजी, है ना. तो वो जो दादाजी ने पेपर साइन किया, वो अपनी इच्छा से साइन किया क्या? नहीं, प्रेशर में आकर साइन किया. कोएर्सिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं था, राइट. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी क्या होती है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी क्या होती है? अवॉइड होते. अच्छा, लॉ को कैसे पता चलेगा, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कोएर्सिव नहीं था, मतलब कोएर्सिव था? प्रूव करना पड़ेगा ना. अच्छा, हाँ जी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब ये कोएर्सिव कॉन्ट्रैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड नहीं होते, दे आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हाई आर दे कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट वॉइड? वॉइड मतलब डिस्टिट्यूट ऑफ ऑल लीगल इफेक्ट्स. जब हम लोग वॉइडेबल की बात करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उस सेम केस में देखना, अगर वो दादाजी पुलिस में जाते और रिपोर्ट करते कि भाई मैंने अपनी इच्छा से साइन नहीं किया, उसने मेरे को धमकाया, इट्स अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो मैंने उसकी उस प्रेशर में मजबूरी में आके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, राइट. ये एक उनके पास ऑप्शन था एक्शन लेने का. अच्छा, दूसरा, ही कुड डिसाइड टू सिट क्वाइट, कि उन्होंने डिसाइड किया मेरे को कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि अगर एक्शन लिया तो ही कैन किल ऑल द ग्रैंड सन एंड डॉटर, सबको मार डालेगा वो, राइट. तो दो ऑप्शन है यहाँ पर दादाजी के पास. कौन से दो ऑप्शन है? या तो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और ही कीप क्वाइट, दोनों में से कोई भी एक्टिविटी हो सकती है ना. सो वॉइडेबल क्यों बोलते हैं? एट द ऑप्शन ऑफ द सफरिंग पार्टी. सफरिंग पार्टी डिसाइड करती है कि उन्हें कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना है या फिर इन्फोर्स नहीं करना है. तो जहां पर भी पार्टीज के पास ऑप्शन होता है, वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं. समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर एक्शन लिया तो उस केस में फिर वो वॉइड है. याद रहेगा सबको?
एवरीवन. सो पहला, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कोएर्सिव इन नेचर, किसी भी तरीके से अगर कोई कोएर्शन इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कि फ्री कंसेंट पार्टीज का उस कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं. पहला कोएर्शन. आगे देखना नेक्स्ट, बस ये लिख लेना सिंघम वाले दादाजी, है ना, इतना लिखना आपको याद रहेगा. वर्किंग नॉट वर्किंग, यार क्या मजाक कर रहे हैं यार इसी. हाँ एक्सट्रीम हो रहा है तो. अरे आवाज बहुत आती है उसकी. चलो सेकेंड देखना, अनड्यू इन्फ्लुएंस. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब एक पोजीशन पार्टीज की ऐसी है कि जहां पर आप दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकते हो, इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब सिंपल सिंपल से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको क्या होता है. अपने सूरज सर, मिस्टर टाटिया, और उनके सारे के सारे छात्र और छात्राएं, हाँ नो. सो अब जैसे आप मिस्टर टाडिया को देखो ना, वो एक आध बार ऐसे सेंटिमेंटल हुआ कि नहीं बैच में? हाँ बहुत ना, परसों ही हुआ क्या? एकदम भावनात्मक हो जाता है. और परसों क्या वो पारिवारिक समझौतों के बारे में बात कर रहा था? नो मोटिवेशन, पैर का कड़ा. हाँ तो एनीवे, अच्छा अब हम किसकी बात करें, जैसे अब वो कभी आप देखना उसका, वो एकदम ऐसे जब अपने फ्लेयर में आता है ना कि बस आज तो इनकी अंतरात्मा जगा दूंगा मैं, तो वो बोलता है और उस फ्लो में चला जाता है बच्चों बोलते हुए, कि अपने को ऐसा लगता है कि यस बस इसी से मिलने के लिए हम लोग जन्मे थे, है ना. तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है ना. अब जैसा वो बोलता है वैसी जनता करती है ना. तो उसका बोलना और जनता का, अब कहीं पर भी आप देखना, जैसे अब ये आप पॉलिटिकल लीडर्स, आप इनकी बात करना, ऑफकोर्स वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट इनकी स्पीच में इतना पावर होता है. जैसे आप कभी राज ठाकरे को अगर सुनो, है ना, पैंट खोल देता हूँ किसी की भी, मतलब देखता भी नहीं सामने कौन है, पैंट ही बजा देता, मतलब गदन, मतलब खतरनाक वाला बोलता, राइट. तो ये पावर ऑफ वर्ड्स है, राइट, एक इन्फ्लुएंशियल पोजिशन है, राइट. मोदी की स्पीचेस सुनना कभी, राइट, पीपल आर इन एंड आउट इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो भी ये बोल रहा है सब सही बोल रहा है. अभी वो अक्षय कुमार के साथ वो सुना मैंने, इट वॉज हिलेरियस, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट वॉज हिलेरियस. मतलब आई डोंट नो विथ वॉट ऑब्जेक्ट ही डिड दैट, बट देखा होगा ना अक्षय कुमार विथ मोदी, ये तो बहुत वही सब चल रहा है यार. क्या था, आम कैसे खाते हैं, आम क्यों खाते हैं, चाय कैसे पीते हैं, खुले हवा में चाय पीना चाहिए, छत पे चाय पीना, रियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इज टॉकिंग लाइक दिस. मतलब मैं बिलीव ही नहीं करता, ऐसे भक्त नहीं हूँ मैं, लेकिन आई एम ऑफकोर्स आई एम अ फैन ऑफ हिस वर्ड्स. मैं बहुत वो बोलता है तो मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है उसकी स्पीचेस, बट वो जिस तरीके की वो उस दिन बातें चल रही थी मेरे को तो बड़ा वियर्ड लग रहा था. मैंने पता नहीं किया, मैंने 2-3 बार देखा ये बिलीव करने के लिए कि सच में मोदी ये सब बातें कर रहा है. तो अब व्हाट डू मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है, कि जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके अगर उस पोजीशन में हो. अच्छा अब जैसे मैं ये दो नाम क्यों लिख रहा हूं ना, दिस इज बेसिकली स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, और बाय डिफॉल्ट एक टीचर का इन्फ्लुएंस होता है कि जो वो बोलते हैं वैसा स्टूडेंट्स सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं, है ना. आपने हरीश सर 50 बार बोलते हैं, जब मैं बोलूं कूद जाओ तो कूद जाओ, डोंट जंप, राइट. पर वो क्या करता है, जिस कॉन्विक्शन के साथ बोलता है उसका इंटेंशन आपको कुदाने का नहीं, उसका इंटेंशन नहीं कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना चुपचाप ब्लाइंड फील्ड, दिमाग मत लगाना, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, बस मैं बोल रहा हूँ करते जाना, राइट. ये आइडियोलॉजी है. तो ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जहाँ पर एक पार्टी मानती है दूसरी पार्टी के व्यूज को, सजेशंस को, राइट. डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, अब जो डॉक्टर ने बोला वैसा पेशेंट करता है, है ना, पॉजिटिवली करता है, कि उसको पता है कि भाई नहीं करेगा तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा अपने शरीर के साथ, तो वो जैसे जैसे डॉक्टर सजेस्ट करता है वैसे वैसे हम लोग करते हैं. बोला ये प्रिवेंशन, ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, आप बराबर वो सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हो. अच्छा जहां अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे, फिर अपन वापस अपनी मर्जी के राजा. अभी वो बीच में मेरा हार्ट टूटा तो डॉक्टर ने मेरे को 21 डेज का
उन्होंने बोला कि भाई रेस्ट लेना है और ये हैंड मूवमेंट नहीं, गाड़ी नहीं चलाना है, थोड़ा सा जितना उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सब, वो कुछ कुछ तो उसने प्रिकॉशनरी चीज़ें बोली। 10-12-15 दिन हुए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अब मतलब हाथ अटली सीधा हो पा रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, और 16वें दिन से घूमना चालू कर दिया, मैंने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। कार मेरे को ऐसा कोई बोलते कि कार नहीं चलाना, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैंने भाई लव ड्राइविंग, तो सब स्टार्ट कर दिया। और डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट डे वेरी स्पेसिफिकली टोल्ड मी दैट 21 डेज मीन्स 21 डेज यू विल प्ले अराउंड, अदरवाइज मतलब आई कैन नॉट गारंटी यू एनीथिंग। मतलब आई हैव बीन टू हिम अ लॉट ऑफ टाइम्स, कुछ भी होता है तो मैं दैट्स लाइक माय फर्स्ट चॉइस, मैं वहीं जाता हूँ हमेशा, तो ही नोज मी दैट वे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि मत करना, और मैं लास्ट टाइम भी पहले एक्सपेरिमेंट किया एक दो बार ऐसे ही, वो नेक का हुआ तब उन्होंने मुझे बोला था कि भाई मत करना, तो वो सबसे बोरिंग इलाज दुनिया में अगर कोई ना फिजियोथेरेपी, वो इतनी बकवास तरीके से वो एक्सरसाइज बताना, इतना स्लो। और मतलब मेरा ऐसा मानना है, गलत है जो कि फिजियोथेरेपी नेवर वर्क्स, ये गलत है ऐसा मेरा सोचना। इधर अब वो नेक की एक्सरसाइज, उसने बोला ऐसे करो 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 ऐसे करो, फिर दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करके उसने मेरे को 24 एक्सरसाइजेस सिखाई कि रोज 24 एक्सरसाइज करो। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर व्हेन आई एम एक्सरसाइजिंग, इट्स फनी, इट्स फनी, बिलीव मी इट्स फनी। तो अब बीच में मेरे को कभी लेक्चर्स के बीच में ऐसे मैंने किसी को कुछ रीड करने के लिए बोला, आपके इसमें क्यों तो कैमरा यहाँ तो नहीं करता हूँ, बट कभी वैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं चालू कर देता हूँ ऐसे 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 कुछ भी, क्योंकि वो दर्द होता है ना फिर अपने को समझ में आता साला पहले कर लिया होता एक्सरसाइज। तो सारे के सारे खैर एक्सपीरियंसेस वाली बात है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डॉक्टर बोलता है ना पेशेंट वैसा करता है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, फिर कोई लॉयर है और उसका कोई क्लाइंट है, इज ऑल्सो पोजिशन ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। जैसा आपका एडवोकेट आपका लॉयर सजेस्ट करता है आपको, वैसे वैसे क्लाइंट उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। मूवीज में देखते ही हो ना, वो एडवोकेट बोलता है कि तेरे को कोर्ट में सारे स्टेटमेंट्स बोलना है, और जो उसने बोला है वो जो आपका क्लाइंट होता है वो एज इट इज कोर्ट में सारी की सारी चीज़ें बोलता है, राइट? तो ये सारे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये कौन से रिलेशनशिप्स हैं? दीज आर रिलेशनशिप्स ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। अच्छा, अंडू इन्फ्लुएंस मतलब हमेशा बुरा ही होता है ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। अब टाटिया कुछ अगर आपको बोलता है कि भाई पढ़ाई करो, ये करो, 8 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 25 घंटे पढ़ो, जो भी एक्सपाइज वो बोलते हैं, तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं बोला कि कॉमिक्स पढ़ने के लिए बोल रहा है, किताबें पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। दिक्कत कब होती है कि जहां पर एक पार्टी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है दूसरी पार्टी की विल गलत तरीके से यूज करने के लिए, वहां पर ये अंडू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होते हैं। इफ इट इज फॉर योर गुड फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर वो किसी गलत एक्टिविटी के लिए यूज किए गए तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, इज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, राइट? सो अंडू इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? Such relationships or such contracts जहाँ पर one party is in a position to dominate the will of the other party, एक party दूसरी party की will को dominate कर सकती है, is a contract of undue influence, right? अच्छा, जितने भी contracts आपके undue influence के होते हैं सारे के सारे contracts हम लोग क्या मानते हैं? Contracts void होते हैं। क्यों? Same बात, free consent नहीं होती वहाँ पर, party की free consent नहीं होती है। अच्छा, parents and minor, ये भी undue influence वाले contracts है, है ना? Anyway, minors contracts तो void होते हैं, but पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। मेरी मम्मी जो मेरे बोली ब्लाइंड, मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं आता है, देर इज ऑलवेज अ फुल स्टॉप, देर इज नेवर अ कॉमा आफ्टर दैट। तो बिकॉज आई बिलीव कि अगर वो कुछ बोल रही है तो शायद मेरे अच्छे के लिए बोल रही है, तो मैं बिल्कुल बिंदास बिना सोचे एंड आई डू इट वट एवर शी सेज। अंडू इन्फ्लुएंस, इफ इट इज फॉर माई गुड इट्स गुड, राइट? इफ इट इज फॉर माई बैड, राइट? वहां पर कैन आई एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इन द कोड ऑफ लॉ? द आंसर इज येस, राइट? सो जब तक मेरा राइट अफेक्ट ना हो तब तक कोई इशू ही नहीं है, जहां पर मेरा राइट अफेक्ट होता है उस केस में फिर मैं कोई लीगल एक्शन ले सकता हूं, इस टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस, राइट? मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बनाते हो उसमें दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसके आप कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे हो कि कब पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं होता है। फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा कोएर्शन, कोएर्शन किसी को अगर धमकाकर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका फ्री कंसेंट नहीं था, उसने अपनी इच्छा से नहीं किया। सेकंड, अंडू इन्फ्लुएंस, किसी ने मुझे धमकाया नहीं लेकिन उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि जो वो बोलता है एग्जैक्टली वही चीज मैं करता हूं, राइट? इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस, है ना? अच्छा, यहां पर ना एक बार ये रीड करना थोड़ा सा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस वेदर रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड यूजेस दैट पोजिशन टू ऑप्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दी अदर। जो हम लोग बात कर रहे थे कि इन्फ्लुएंशियल पोजिशन होना गलत नहीं है, गलत क्या है?
अगर आपने आपकी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और सामने वाली पार्टी से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया जो उसके हित में नहीं था, उसके अच्छे के लिए नहीं था, राइट, उस केस में फिर आप ये प्रोविजंस ट्रिगर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि वहां पर आप एस्टैब्लिश करना पड़े, हाँ, एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, मैंने इन्फ्लुएंस में आकर वो चीज की है, राइट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. अच्छा, नीचे कुछ रिलेशनशिप बताएं. माइनर गार्जियन, जैसे ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, सॉलिसिटर क्लाइंट, सॉलिसिटर मतलब आपका एडवोकेट बेसिकली क्लाइंट, राइट, ये सारे कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहां पर पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होता है. डॉक्टर पेशेंट का बताया ही मैंने आपको. डन, आगे चेक करना. नाउ ट्रांजैक्शंस विद पर्दानिशी वेमेन, उस पर्दानिशी वेमेन बुरका. अब जो रीजन था बुरके के पीछे वो आप समझना है एक्चुअली में, कि क्यों मुस्लिम लॉज में बुरके की बहुत वैल्यू थी, राइट. तो जस्ट टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ विमेन, बुरखा वॉज इंट्रोड्यूस्ड, राइट, इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. दैट हैड नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स. उसका किसी धर्म, जाति, प्रजाति से कोई रिश्ता नाता नहीं था. इट वॉज जस्ट टू प्रोटेक्ट द sanctity, right, of a particular community which was considered as a weaker section of the society. ये उसका original thought था, उसका original idea था, जिसके कोई exceptions नहीं. लोगों ने of course उसके अलग अलग meanings बता दिए, लेकिन अगर आप original thought पढ़ते हो तो ये था. जैसे हिंदूज में आप देखते हो तो हिंदुओं में घूंघट होता है, right? तो घूंघट का thought किसी के rights prejudice करना नहीं था. उसका objective किसी को ये बताना नहीं था कि आप weak हो, मैं strong हूँ. उसका thought ये था that you could protect your women. ये original thought था, right? अच्छा, over a period of time फिर हम लोगों ने उसके अलग अलग meanings निकाल लिए और घूंघट को आपने एक religious sentiment बना दिया, बुरके को आपने एक religious sentiment बना दिया, और बस वो फिर वो जाति, प्रजाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम और वो सब अलग अलग लफड़े स्टार्ट हो गए अपने यहाँ पर, राइट. बट ये उसका ओरिजिनल थाट था. अब क्यों पर्दानिशी वुमेन के राइट्स आपने सेपरेटली क्लासीफाई किया, उसका थाट क्या था? कि this section of society was considered to be the weaker section of the society. So ye ensure karne ke liye ki, acha, pehli baat, pardanishi women ke sath aap koi bhi contract kar sakte ho, lekin contract kya hoga? Void. Prima facie contract kya hai? Void. Any contract with the pardanishi women is considered void. Why? Because law ka belief ye hai ki, again, position of influence, right, kiske sath? मे बी द हस्बैंड, मे बी द फादर, मे बी द मदर, ये कोई और हो सकता है, केयरटेकर हो सकता है, राइट. सो दैट पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस इज देयर इन केस ऑफ पर्दानिशी वुमेन. तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पर्दानिशी वुमेन के साथ किए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे. अगर आप चाहते हो या अगर आप सोचते हो या मानते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सको, तो आपको ये कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जब आपने पर्दानिशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, शी अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझे, एंड दूसरा, इन हर फ्री कंसेंट, इन अ फ्री विल, शी अग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप ये चीज एस्टैब्लिश कर सको तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? वाइट. तो ये आपने क्या किया, एक प्रोटेक्शन पर्दानिशी वुमेन को कॉन्ट्रैक्ट्स की किस्में दी. प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट रूल वैलिड नहीं है. फर्स्ट रूल क्या है? वाइट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइट. और वैलिड हो सकता है कब? जब आप दो कंडीशंस फुलफिल करते हो. कौन सी दो कंडीशंस? पहला, यू हैव एक्सप्लेन्ड हर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब शी अंडरस्टूड कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, और दूसरा, उसने अपने फ्री कंसेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया. अगर आप ये एस्टैब्लिश कर सको तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है. क्लियर है सबको? सो प्राइमा फेसी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. अच्छा, इसके एक्सेप्शन मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? दो चीज आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगी. फर्स्ट क्या? शी अंडरस्टूड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है दैट वॉज साइंड इन हर फ्री विल. So, कौन सी दो कंडीशंस? पहला क्या? शी इज अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस फर्स्ट, और दूसरा, फ्री कंसेंट था, उसने अपने फ्री विल में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, राइट. सो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. ये पार्ट क्लियर है?
everyone. Chalo. Aage likhna next. Unconsignable contracts, your transactions. Kya hote hain abhi unconsignable transactions kya hote hain? Acha money lending ke transactions sune hum logon ne? इसमें क्या होता है आप छोटी जगह पे जाओगे ना आप ज़्यादा सुनोगे बड़ी सिटीज़ में ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसा नहीं होती नहीं है बट अपने लोगों को पता नहीं चलता है राइट छोटी छोटी जगहों में आप बहुत सारे ऐसे केसेस सुनते हो तो मनी लेंडिंग मतलब क्या आप वो किसी साहूकार के पास जाते हो वो किसी सेठ के पास जाते हो गो एंड टेल हिम दैट मेरे को कुछ लोन चाहिए कैश में तो बोलता है कि मेरे पास कुछ सिक्योरिटी रख दो तो आपने आपके घर में जो गोल्ड रखा हुआ था वहाँ पर सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा और उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया राइट अब जब वो लोन देता है तो एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है और दूसरा परपेचुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देता है राइट दो पॉसिबिलिटीज सो अब जैसे यूजुअली इफ इन बिजनेस मतलब मैं खैर ये ऐसे लोन वोन के ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं मैं अभी लोन लेता हूँ ना तो 12 to 15 एंड लास्ट 18% इसके ऊपर मैं पैसा कभी भी नहीं लेता मतलब अगर ब्याज पे लेना है मेरे को 18% लास्ट 18 मतलब 1.5% पर मंथ 18% पर एनम राइट अब किसी भी बिजनेस के लिए आप देखोगे ना 12-18% का ब्याज मतलब बहुत महंगा हो जाता है ये लास्ट है 12 तो स्टैंडर्ड चलता है अगर आपका सॉल्वेंसी ठीक है पास में कभी कोई डिफॉल्ट नहीं है तो आपको 12% में मिल जाता है मैं ये पुणे की बात कर रहा हूँ ये अगर मैं मेरे उधर घर से वहाँ से अगर किसी से मंगवाऊँ तो मेरे को वहाँ पे 7-8% में भी लोन मिल जाता है इसमें कभी दिक्कत नहीं आती क्यों रेपुटेशन है पुराने लोग हैं तो ठीक है चल जाता है मिल जाता है यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा नया प्लस सिटीज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाता है 12% बहुत मजबूरी आ गई कि भाई कहीं से कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो 15-18 वाले सेगमेंट में जाता हूँ नहीं तो मैं कभी भी नहीं जाता हूँ क्यों मेरे को पता है मेरे बिजनेस के लिमिटेशन क्या है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बेयर कर सकता हूँ एज कॉस्ट टू माई बिजनेस इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कोई मेरे को बोलेगा ना 24% पे तू ले ले 5 करोड़ रुपये मैं 5 रुपये ना लूँ उससे क्योंकि मेरे को पता है आज नहीं तो कल ये ब्याज मेरे को डुबो के जाएगा तो कभी भी हम लोग इस तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं और ये बिल्कुल पारिवारिक फंडा है मेरे पिताजी ने बीच में लोन लिया एकदम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के जिस दिन मेरे को पता चला द फर्स्ट थिंग आई डिड मैंने इधर उधर से जहाँ से जो मेरे पास था कहीं से मिल सकता था ले लेके और मैंने सारे लोन एक बार में खत्म कर दिया ब्याज का चोचला नहीं चाहिए ये कब लेके डूबता है ना इंसान को समझ में भी नहीं आता अच्छा अब इसमें क्या है आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन एंड अराउंड पुणे मतलब पुणे में अगर आप देखो हुव टेकन मनी एट 5-10% पर मंथ ये पर मंथ है तो 10% पर मंथ मतलब 120% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब अगर मैंने किसी से 100 रुपये लिया है तो एक साल के बाद मुझे उसको 120 रुपये का ब्याज मतलब उसको मेरे को 220 रुपीज़ पूरा के पूरा देना है अच्छा कब आप इतना महंगा पैसा लेते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना ज़रूरत कब पड़ती है जब पैसा है नहीं पहले है नहीं आपने ब्याज पे पैसा लिया इंटरेस्ट पे पैसा लिया और जो इंटरेस्ट लिया वो भी इतना ज़्यादा है ये आज आप ये 10% पर मंथ का पैसा ना आप मुकेश अंबानी को दे देना ट्रस्ट मी ऑन दैट RIL विल फाइल बैंक्रप्सी नेक्स्ट 2 ईयर्स दैट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया वो भी इस तरीके का इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर सकते मरा हुआ आदमी है और उसने क्या रेट से पैसा लिया 120% पर एनम ये डूब ही गया मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है ये वैसे ही डूब गया क्यों ये इंटरेस्ट देने में ही मतलब उसकी लीवर किडनी सब बिक जाएगा ना तो भी इतना महंगा पैसा नहीं दे सकता वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ज़्यादा और चलते हैं लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं दिस फ्रेंड ऑफ माइन अभी बीच में खैर थोड़ा वो अलग स्टेज में चल रहा था बेचारे को बहुत भयंकर फैमिली इशूज़ बहुत चल रहे थे कुछ फाइनेंशियली एक दोस्त के कुछ ट्रांजेक्शन थे वो फेल हो गए तो बहुत लंबे से उतरा वो तो लास्ट टाइम जब मेरी 1.5-2 साल हो गए इस बात को भी उसने 5 लाख रुपये लिए 15% से व्हेन ही सेड 15 तो मैंने उसको बोला मेरा 15 पे मिल रहा है मेरे को भी दिलवा दे यार 10-1 पेटी तो दिलवा दे बोले भाई मैं रो रहा हूँ 3 महीने से ब्याज नहीं दिया मैंने और अब वो आएगा ना मेरे को मार ही डालेगा वो तू क्या मेरा 15% का पैसा क्यों नहीं दे पा रहा बोले 15% महीने का पैसा है पर मंथ अब 15% महीने का पैसा मतलब 125 मतलब 180% पर एनम 180% मतलब 100 का मेरे को 280 देना है उसको एक साल के बाद ख़त्म ही है मैं इतना घबरा गया मैंने बोला कितना लिया तूने बोले 5 लाख रुपए कसम से मेरी खुद की इतनी टाइट चल रही थी उस वक्त कुछ कहीं मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोड पे आ गए थे लेकिन कहीं पैसा अटका हुआ था मेरा खुद का और लंबा पैसा अटका हुआ था मैं दो एक मेरा वो मतलब ऐसा
कबीर है हमारे ग्रुप का, कभी भी उससे पैसा मांगो ना पता नहीं कहाँ से निकाल के देता है, लाता है यार कहीं, और जबकि जॉब करा है, ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस बहुत लंबे पे उस पर, अभी तो बहुत अच्छी प्रेसिडेंट बन गया साला यस बैंक में, इतना भिखारी आदमी, इतना भिखारी, मतलब मेरे को एक रुपए का भरोसा नहीं उसके ऊपर, लेकिन साला खोटा सिक्का क्या चला है वो, दिल्ली में ही इज वर्किंग एंड ही इज द प्रेजिडेंट इन येस बैंक फॉर ऑल द लोन रिकवरी ट्रांजेक्शन्स, पूरा उनका NPS वही हैंडल करता है येस बैंक में, ज़बरदस्त पोजिशन में। उसको कभी फ़ोन किया ना कि यार भाई बहुत ज़रूरत है पैसे की, कुछ करवा दे कहीं से, कुछ हो सकता है, तो पता नहीं क्या पहली बार मैं मना करता है, घंटे भर बाद फ़ोन आता है, बोले यार कुछ तो हो जाएगा, तो आई कॉल्ड हिम, मैंने बोला यार कुछ भी कर मेरे को 5 लाख रुपये दिलवा भी, कितना अर्जेंट है, बोले 1 घंटा नहीं हो पाएगा, 15-20 मिनट बाद फ़ोन आया, 4 लाख दिया तो चलेगा क्या, मैंने लाला दे 4 लाख ट्रांसफ़र कर, उसने नेक्स्ट डे मेरे को सुबह सुबह 4 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए, मैंने बोला देख लेना कहीं से कुछ कस लग सकता हो तो और देख लेना, एक आध पेटी और करवा देना यार, बोले 1 घंटे का टाइम दे, 15-20 मिनट बाद फ़ोन आया, कब देगा वापस, मैंने बोला वो मत पूछ तू बस पैसे दे अभी, बाकी सब छोड़, बोले इतना क्या अर्जेंट आ गया तेरे को क्या, मैं मेरे को जरूरत नहीं किसी को, बोलो अच्छा तू भलमन सा ही करने जा रहा है किसी और को दे, मतलब वापस कर 4 लाख रुपये, मैंने तो दिमाग मत लगा कुछ भी, मेरे को तो पैसा ट्रांसफर दे दिया बेचारे ने, 5 लाख रुपये दिया, ये आया एज इट इज़, मैंने उसको दिया, मैंने बोला जिससे तूने लिया ना इस ब्याज का पैसा, मतलब इमीडिएट वापस करके आ जा खत्म कर, मतलब ब्याज ब्याज जो भी तेरा है वो अपन उसको बोल देना अपन सेटल कर लेंगे अगले महीने में, लेकिन ये पूरा तेरी प्रिंसिपल अमाउंट रकम खत्म कर, वो बोला बिना ब्याज के देगा नहीं, तो उसको 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने अलग से दिया, और मैंने बोला अभी के अभी तोड़ के आ जा, तू सुसाइड कर लेगा लेकिन तू ये पैसा नहीं दे पाएगा यार, 180% का पैसा मतलब ख़त्म ही है। अच्छा ऐसा नहीं है कि लेने वाले में समझ नहीं है, अपने में समझ, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी समझ है, बस ये है कि इंसान की मजबूरी वो आ जाती है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, बट ही टेंस टू बोरो मनी एट यू नो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमारे इसमें तो इतना, मैंने तो घर परिवार में बचपन से यही देखा साला, और ये ब्याज कब इंसान को लेकर डूबता है ना, कोई हिसाब किताब ही नहीं इसका, पीपल डू इट, अब वो उस वक्त हम लोग क्या सोचते हैं ना कि या तो आज मरूँ या 6 महीने के बाद मरूँ, तो इंसान बस वो पॉइंट अवॉइड करने के लिए इस तरीके से पैसा उठा लेता है कि ठीक है अब 6 महीने बाद देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो आज नहीं तो कल तकलीफ आती है इन सब चीज़ों की। तो ये अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शंस ना बस एग्जैक्टली ये होते हैं कि जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को लोन दे रही है एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो नॉर्मली प्रिवेलिंग रेट नहीं है, अब जैसे 12, 18, 24, 36 ये नॉर्मल चलता है, ये मार्केट में है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ 180% पर एनम का पैसा है वो डूबेगा ही डूबेगा। मैंने दिया एक बार, मतलब लिया नहीं एक्चुअली दिया, वो हमारे खैर पहचान में ही है, तो उसने बोला कि सर 5% महीने का दूंगा आपको फिक्स, वो थोड़ा भाई वाला केस है उसका, बोले पैसा दे रहे हो क्या, 5% फिक्स देता हूँ, मैंने बोला तेरे को दे तो तू, तू नहीं दे तो मैं तेरा क्या कर लूँगा साला, तू तो खुद ही गुंडा आदमी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ तेरा, बोले नहीं सर आप मेरे से चेक ले लो एडवांस के, मैं आपको 5% महीने का दूंगा, मतलब क्या करेगा, बोले सर मेरा लुकआउट है सर, वो कहीं तो मेरा प्रॉपर्टी का कुछ डीलिंग चल रहा है, 5% दूंगा, मतलब प्रॉपर्टी में ही लगाएगा ना, बोले हाँ सर आई गेव हिम, और बकायदा उसका 4-5 महीने रेगुलर इंटरेस्ट आया, हाँ 5%, मैं इतना शॉक, मैंने बोला कैसे दे रहा, उसको मैंने बहुत ज़्यादा 2 लाख रुपये दिए थे, 5% के हिसाब से मेरे को 10 हर महीने इसका आ रहा है, रेगुलर पैसा आ रहा है। तो मैंने पूछा उसको, मैंने यार ऐसी क्या है तेरा इन्वेस्टमेंट कि 5% महीने का तू मेरे को पैसा दे पा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, बोले सर आप आम खाओ गोटली के भाव मत पूछो, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार मैंने हुआ उसका पैसा नहीं आया, तो एक ऑल्डी मैंने यार दादा वो आया नहीं, अमाउंट नहीं आया इस महीने का, इंटरेस्ट नहीं आया, बोले सर वो थोड़ा इशू वाला काम है, मैं ज़रा शाम तक आपको अपडेट करता हूँ, मैंने लगा क्या इशू, बोले अरे सर जिससे आना था वो पैसा नहीं दे रहा साला, ज़रा उसको चमका के आता हूँ। तो मैंने बोला यार आपने तो बोला था कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाया चमकाने वाला का, बोले अरे नहीं नहीं सर वो आपकी मगजमारी नहीं, वो मेरा टेंशन है आप चिंता मत करो, पैसा तो कहीं से भी आएगा, वो ये फिर उनकी वो लैंग्वेज अलग ही रहती है। मैंने बोला यार आप ऑफिस आओ ज़रा मेरे को बताओ क्या किया आपने, ऑफिस बुलाया, मैं पूछा मैंने कहाँ दिया पैसा, बोले सर ब्याज पे दिया, मैंने आपको मना किया था, मैंने ये सब काम मत करना मेरे को पसंद नहीं हो, मेरे को ब्याज व्याज का पैसा मेरे को फ्री का मेरे को कभी नहीं पछता, मैं तो मेरे को जमता भी नहीं हो, और मेरे को पता नहीं था कि साल, मेरे को लगा प्रॉपर्टी का सच में उसने कुछ किया हुआ है। तो मैंने लगा क्या रेट पे दिया है, उसने दिया आगे 10% पे, अब वो मेरे को 5 देता है 5 वो खुद रखता है, ऐसा उसने पूल बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया हुआ है, और ये आधा 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 उसका सिस्टम चलता है, जिसने दिया वो भी खुश, और इसको तो बिना कैपिटल के पैसा मिल रहा है, और बाकी उसकी दोष झपट है, 5-7 मर्डर किया हुआ है आदमी, डेंजर है वो। तो मैंने बोला कैसे करेगा वसूली,
मम्मी कसम बोल रहा हूँ, मैं मेरे को आंसू आ गए सुन के. आई फील सो बैड, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी ऐसा कैसे कर सकता है. तो अब फर्स्ट टाइम सुना है, मेरे को मालूम ही नहीं था आपने, तो बिल्कुल ABCD मैं कभी इन चक्करों में नहीं पढ़ता हूँ. बोले कुछ नहीं सर, आज बैठेंगे हम लोग सब उसके घर जाके, भागा हुआ है अभी, यहाँ पे नहीं है. बोले वो जब घर पे बात आती है, मतलब घर पे जाएगा, मतलब घर पे कौन रहता है? बोले वाइफ है, बच्चे हैं. मतलब क्या करेगा? मैंने बोले कुछ नहीं, बस बैठेंगे, दारू वारू पियेंगे, पैसा आ जाएगा कल तक. मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने लगा यार लाइफ में मतलब इससे बुरा पाप ही नहीं हो सकता साला. मैंने लगा मैं इतना उड़ाया हूँ ना उसको, इतना उड़ाया जबकि वो दो थप्पड़ मेरे को रख के देता, मैं उठता भी नहीं, इतना डेंजर आदमी हो. मैंने भाई जो है ना, पैसा वैसा कुछ नहीं, तो कुछ मत कर, मेरे को चाहिए नहीं एक रुपया. बोले जान नहीं नहीं सर, पैसा तो निकलवाएंगे, ऐसे कैसे डुबो देगा ये वो ये. मैंने लगा तू खड्डे में जा, मेरे को मिलवा पहले कौन है उससे. मैं गया, उसका जितना इंटरेस्ट मेरे पास था मैंने सब के सब वापस किया. मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जब आपका एक कैपिटल बनता हो, आपको लगता हो कि वापस दे सकते हो, इतने सक्षम हो, तब वापस दे देना, बाकी मेरे को कोई आशा नहीं. आप डुबा भी दो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो जब बोले यार सर क्या मेरा नुकसान करो, मैंने पागल आदमी है तो कैसे है? मैंने तुम लोगों के लिए रूटीन है साला, ईमान धर्म बेच के ये सब हम लोग एक तरफ पढ़ाने का काम करते हैं और तू मेरे से ये सब करवा रहा है, वो गुंडागिर्दी और वो सब. मतलब इतना मैं आई फील सो एम्बेरेस्ड. और गलती मेरी थी एक्चुअली, उसकी भी गलती नहीं, गलती मेरी. उसने बोला 5%, और मैंने बिलीव कर लिया कि 5% पर मंथ कोई पैसा दे सकता है इंटरेस्ट के अलावा. मतलब कॉमन सेंस था, बट पता नहीं क्या सोच रहा था मैं भी, और मैंने वो दे दिया. मेरा पहला और आखिरी ट्रांजैक्शन लाइफ का, मैंने कभी आज तक वो ब्याज व्याज का काम ही नहीं किया, इतना गंदा काम किया. तो लेने की कभी बात आए, देना अलग चीज़ है, लेने की अगर बात आए कभी भी मत लेना. ये बिल्कुल धंधे का उसूल है. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में, जॉब में हो तो कभी हिम्मत भी मत करना कि 12, 15, 18 बैंक वाला भी देना. मैंने लास्ट ईयर पर्सनल लोन लिया एक ट्रांजैक्शन, मेरे को 40 लाख का लोन चाहिए था, उसने बोला 18%. मैंने बोला थैंक यू सो मच, चाहिए ही नहीं. एक्सिस बैंक में फ़ोन लगाया, मैंने बोला यार HDFC वाला 15 में दे रहा है, कितने में दे रहे हो? बोले सर 15% कर देंगे. मैंने बोला थैंक यू सो मच, HDFC से ही लोन लूँगा. फिर वो एक हमारे मेरे खैर स्टूडेंट के डैड है एक्चुअली में, तो ही इज़ द मैनेजर हियर. मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, ये मेरे को 13% पे दे रहे हैं, 40 लाख की एंट्री है, आप करवा रहे हो क्या 30? बोले हाँ सर हो जाएगा, कल मैं आता हूँ, बंदे को भेज देता हूँ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो. मैंने वापस HDFC वाले को फ़ोन लगाया, मैंने ICICI वाला मेरे को 13% में दे रहा है, तू दे रहा है क्या? उसने मेरे को 12.75 में दे दिया. एक दिन में 3 फ़ोन लगाए, 18% का 12.75 हो गया. 12.75 में मैंने उससे ले लिया 13% विद प्रोसेसिंग फी, 13% घर का, कोई दिक्कत ही नहीं. एक नंबर में 13% पैसा, 13% के रेट में एक नंबर की एंट्री, 40 लाख की वाइट की एंट्री मिल गई, खुश, कोई दिक्कत ही नहीं है. ब्याज पे चलाई मैंने वो एंट्री, मतलब ब्याज, मतलब वो वाला ब्याज नहीं, आप खैर वाइट की एंट्री, रोकड़ा बोलते हैं हम लोग उसको. तो मेरे रिलेटिव को ज़रूरत थी, उनको एक नंबर में एंट्री चाहिए थी, मेरे अकाउंट में आया, मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ पैसा मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, 6-8 महीने लोन फ्री हो गया, वापस से वापस कर दिया, जो एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ फोरक्लोजर चार्जेस दे दुआ के ख़त्म. बट 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, आप दे ही नहीं पाओगे. सो कीप इट एज लो एज़ पॉसिबल. अब अनकंसाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये ट्रांजेक्शन ये सब क्यों बता रहा हूँ कि जहाँ पर जैसे ऐसा होता है ना कि अब 50 मनी लेंडर्स है, राइट? मैं इसके पास भी जा सकता हूँ, इसके पास भी जा सकता हूँ, इसके पास भी जा सकता हूँ, छोटी जगह है, एक ही मनी लेंडर है, राइट? अब वो एक पहला कोई पार्टी उसके पास जाती है, उसको वो 12% में देता है, दूसरी पार्टी जाती है वो 25% में देता है, तीसरी जाती है उसको 50% में दे रहा है, चौथा कोई जा रहा है उसको 100% में दे रहा है, राइट? तो जब वो 12% में दे सकता है तब भी किसी पार्टी को 100% पर पैसा दे रहा है, राइट? मतलब बोलने का क्या पर्पस है कि यहाँ पर ही नोज दैट ही इज इन अ डोमिनेंट पोजिशन और वो अपनी पोजिशन का गलत फायदा उठा रहा है, राइट? सो जहाँ पर अगर आप अपनी पोजिशन का गलत फायदा उठाओ और अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन करते हो तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन लॉ में इलीगल माने जाते हैं, राइट? सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या है? वॉइड है. आप इसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हो. बस उसमें कंडीशन एक ही आती है, दिक्कत यही आती है कि आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि मार्केट में दूसरा कोई मनी लेंडर नहीं था, मैंने उसको अप्रोच किया और मेरे पास दूसरा कोई रिसोर्ट नहीं था बट टू टेक मनी फ्रॉम हिम एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा उस केस में? वाइड. अगर आप ये एस्टैब्लिश कर पाओ तो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है? सो जहां पर अनरीजनेबल या अनरीजनेबली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप किसी पार्टी से पैसा लो तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? अनकंसाइनेबल ट्रांजेक्शन होते हैं. इफेक्ट क्या है लॉ में? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वाइड है ना. चलो आगे देखना. शिट यार, अरे पापा मार डाला है गर्मी ने तो. नेक्स्ट देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन? ए
मजाक कर रहा है जीवन भी चलना इसको क्या हो गया बहुत आवाज करता है यार ये हाँ मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब समझना अच्छा वर्ड से क्या समझ में आ रहा है अपने को मिस रिप्रेजेंटेशन कोई गलत चीज आप प्रेजेंट करो इस मिस रिप्रेजेंटेशन है ना वर्ड भी कितना सही ना मिस रिप्रेजेंटेशन इन इट सेल्फ इट इज वेरी वेरी क्लियर है ना सो मतलब व्हेन यू नो द फैक्ट्स और फिर भी आप फैक्ट्स अगर गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो राइट इज नथिंग बट मिस रिप्रेजेंटेशन अब जैसे आप सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल समझना कुछ हाँ ये वो क्रिकेट के वो बैट बल्ले ऑक्शन होते ना मेरे को हमेशा आई हैव ऑलवेज बिन अन अ स्टेक टॉप शॉक वो आपने सुना होगा ना युवराज सिंह ने द बैट विथ विच ही हिट सिक्स सिक्सेस एंड द बैट विथ विच धोनी हिट दैट सिक्स इन वर्ल्ड कप फाइनल वो सचिन तेंदुलकर की 200 वाली नॉक थी जो फर्स्ट टाइम व्हेन ही क्रिएटेड हिस्ट्री तो ये सारे बैट्स देवर ऑक्शन फॉर 25 लाख एंड 35 लाख एंड 45 लाख हाँ पढ़ लेना खैर आप तो ये 25-25 लाख 30-30 लाख में बैट ऑक्शन हुए 5,000 रुपये भी कॉस्ट नहीं होगी उसकी 25 लाख रुपये में लोगों ने बैट खरीदा मैं 5 रुपये ना दूँ उस बैट के एक तो यूज्ड बैट हाँ किसी क्रिकेटर का पसीना लगा हुआ है उस पर और वो बैट मैं आई डोंट नो किस टाइप की प्रीमियम में खरीद रहा हूँ 25 लाख मतलब आई डो नॉट एक नॉर्मल सेन पर्सन वुड नेवर इवन थिंक ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ क्रेज बट ठीक है वो कुछ लोगों का एक अलग तरीके का क्रेज होता है दे डू इट राइट और वो जिन लोग होता है ना एंटीक्स का बहुत शौक होता है ये ऐसे अजीब अजीब चीज़ें खरीदते हैं एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइजेस दे बाय शिट फॉर क्रोर्स मतलब टू मी इट्स शिट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वट एज देवर लव एंड लाइक इज बट पता नहीं मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हूँ इस चीज़ को कि क्या ऐसा मतलब इतना क्यों पागलपन इतना जुनून रहता है आई थिंक धोनी लुक्स सिमिलर टू मी एज टू हिम द वन हु बॉट इट फॉर 25 लाख्स ऐसा तो नहीं कि रोज उसको घर पे बुलाता है कि भाई अब तू खाना रोज मेरे साथ ही खाना क्योंकि तूने मेरा बैट खरीदा 25 लाख रुपए में आई डोंट नो व्हाट प्रिविलेज बट पीपल डू इट शौक शौक की बात होती है अपनी अच्छा बात समझना है यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे कोई है ऐसा क्रेजी फैन कि अगर पैसे होते तो मैं ज़रूर खरीदता परम रियली मारवाड़ी है ना तू कैसी बातें कर रहे हैं भाई पूरी प्रांत पे सवाल उठा दिया भाई तूने तो परम क्या MSD फैन क्या सभी का फैन है अच्छा तो मेसी भी क्रिकेट खेल लेगा तो कल उसका भी बैट खरीद लेगा तू नहीं ना धोनी का अच्छा तो ये परम ये गया ऑक्शन में और इसने MS धोनी का बैट खरीदा जब वो डक पे आउट हुआ पहली बॉल पे बोल्ड और ये बड़ा इंस्पायर हो गया कि बड़ा मस्त बैट है धोनी भी 0 पे आउट हो सकता है He went and bought that bat for 25 lakh rupees. है ना 25 लाख में खरीदा अब सुनना हाँ अब बैट एक ही है एक ही बार डक पे आउट हुआ वो बैट इसने जाके 25 लाख रुपए में खरीद लिया ओके नाउ अब ये जाता है दो लोगों के पास एक जाता है ब्रैडली और दूसरा जाता है अपने गुजराती के पास दो लोगों के पास जाता है ओके ब्रैडली को बोलता है कि यार मैंने बैट 25 लाख रुपए में खरीदा ये भी इतना ही क्रेजी फैन है और बोला कि आई वांट टू सेल यू दिस बैट फॉर 30 लाख रुपीस ओके ही नोज दैट द बैट इज रियल और उसने बोला कि मैं बैट 30 लाख रुपए में तुझे बेचूंगा इसने बोला ओके पहली सिचुएशन दूसरा इसने सेम एक और बैट मार्केट से खरीदा जो 200 रुपए का था ही गोज टू गुज्जू और बोलता है कि बैट मैंने 25 लाख रुपए में खरीदा है अब मेरे को इसको 30 लाख रुपए में बेचना है क्या तू मुझसे खरीदेगा इसने बोला यस मैं बैट तुझसे 30 लाख में खरीदूंगा समझ में आ रहा है अच्छा फर्स्ट वाले केस में रिप्रेजेंटेशन था सेकेंड वाले केस में भी रिप्रेजेंटेशन है लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन है राइट क्यों मिस रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि वो बैट एक्चुअली में वो नहीं था जो
जिसकी हम लोग बात करें, जो सब्जेक्ट मैटर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अगर यहां पर ये बैट उसने 30 लाख में बेचा, इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? ऑफकोर्स इट इज वैलिड. सो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है, ठीक है. सेकेंड वाले केस में, अच्छा परम को पता है कि बैट असली वाला कौन सा है, एंड नोइंग दिस उसने फिर भी मिसरिप्रेजेंट किया, बराबर है? उसने मिसरिप्रेजेंट किया, और ये बैट कितने में बेचा? 30 लाख में. कितने में बेचा? 30 लाख में. इज दिस मिसरिप्रेजेंटेशन? यस. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिसरिप्रेजेंटेशन के होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वाइड. क्यों? दिस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फ्रॉड. गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो ना. सो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वाइड. पार्टी के पास रेमेडी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. अगर कुछ खर्चा किया है तो डैमेजेस के फॉर्म में आप खर्चा भी क्लेम कर सकते हो, है ना? कब? अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है तो. अच्छा, अब इसमें ना एक सिचुएशन और समझना. परम ने जो बैट खरीदा वो खरीदा बीसीसीआई से. किसे खरीदा? बीसीसीआई ने परम को बोला कि ये वही बैट है जिससे धोनी डक पर आउट हुआ था. ओके, परम ने बिलीविंग दैट ये वही बैट है, ही बॉट द बैट. उसने बैट खरीदा, वो बैट एक्चुअली में नहीं था. ओके, वो कोई दूसरा ही बैट था, 200 रुपए वाला बैट था. 200 का बैट बीसीसीआई ने परम को कितने में बेच दिया? 25 लाख रुपए. अब परम को क्या पता है कि एग्जैक्टली वही बैट है और उसकी वर्थ है 25 लाख रुपए की. समझ में आ रहा है? नाउ नोइंग दिस, इसने वही बैट का ऑफर किसको दिया? ये गुजू को दिया. ओके, और उसको बोला कि भाई मैं तेरे को बैट बेचना चाहता हूँ 25 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में. कौन सा बैट है? वही बैट है जो वो धोनी का चमत्कारी बैट है, 0 पे आउट हो गया था, है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ? अच्छा, परम को यही पता है क्योंकि बीसीसीआई ने उसको यही बोला कि वही वाला बैट है जो सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, और परम ने यही फैक्ट्स किसको पास ऑन किए? गुजू को पास ऑन किए, राइट? अच्छा, इज दिस मिसरिप्रेजेंटेशन? कितने लोग बोलते मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है ये. ओके, व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एस पी यू? कोई फैक्ट्स गलत प्रेजेंट करना इस मिसरिप्रेजेंटेशन. अच्छा, ये वही बैट है क्या? नहीं, ये कोई दूसरा ही बैट है, राइट? तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो है, राइट? अच्छा, बस दिक्कत ये है कि परम को भी पता नहीं था कि वो बैट ओरिजिनल वाला है ही नहीं, ये कोई दूसरा ही बैट है, राइट? अच्छा, इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं. कितने होते हैं? दो. एक विच इज इनोसेंट, दूसरा विच इज विलफुल. पहला इनोसेंट, दूसरा विलफुल. ये अभी जो केस में आपको बता रहा था कि परम को भी नहीं पता था और उसने वही बैट का ऑफर किसको दिया? गुजू को दिया. कितने में? 30 लाख में. अच्छा, मिसरिप्रेजेंटेशन है लेकिन उसने इंटेंशनली किया क्या? नहीं, उसको भी यही पता था ना, राइट? उसको भी यही पता था इसलिए उसने आगे सेम फैक्ट्स बोले. ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन लेकिन कौन सा है? इनोसेंट. कौन सा है? इनोसेंट. और दूसरे वाले केस में जहां उसको पता था कि बैट असली नहीं है लेकिन फिर भी उसने गलत फैक्ट्स गुजू को प्रेजेंट किए, वो कौन सा है? विलफुल है. जितने भी विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रॉड. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. जितने भी इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, बस ये है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, राइट? तो जो भी नुकसान हुआ, यू मेक गुड द लॉस. मतलब जितना, मतलब यहां पे क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट आप, इसने 30 लाख रुपए दे दिए, उसको 30 लाख वापस दे दो, आप केस नहीं कर सकते हो, उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हो. लेकिन जहां पर फ्रॉड है, कैन यू गो टू द कोर्ट? कोर्ट जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो. समझ में आ रहा है? सो मिसरिप्रेजेंटेशन कितने तरीके का होता है? दो. पहला इनोसेंट, दूसरा विलफुल. इनोसेंट क्या होता है? पार्टी को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और वही गलत इन्फॉर्मेशन आपने आगे पास ऑन की. विलफुल, पार्टी को सही फैक्ट्स पता है लेकिन जानते हुए भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की, इज विलफुल. क्लियर है सबको? व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? प्रेजेंटिंग इनकरेक्ट फैक्ट्स, गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करना इज नथिंग बट मिसरिप्रेजेंटेशन, है ना? दो तरीके का होता है, पहला इनोसेंट, दूसरा विलफुल. कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? श्योर. बाप रे, बस ये देखना, इफ अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन बिलीविंग व्हाट ही सेज इज ट्रू, मतलब उसको भी यही पता है कि वही बात सच है, ही कमिट्स इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. द इफेक्ट ऑफ इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इज दैट द पार्टी मिसलेड. मतलब अपने एग्जाम्पल में कौन है, किसको धोखा मिला? अरे परम नहीं रे. अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? गुजू का. कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट कैनॉट सू फॉर डैमेजेस. मतलब आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो. आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने तेरे को 30 लाख रुपए दिए, काम कर तू मेरे को मेरा 30 लाख रुपए वापस दे दे, लेकिन आप यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा रिलीफ आप नहीं मांग सकते हो. कौन से केस में?
इनसे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना बेचारे को. तो आपने 30 लाख रुपए दिए, आपने 30 लाख रुपए वापस ले लिए, उसको वही 200 रुपए वाला बैट वापस दे देगा, भाई ये रख तू, तेरे को आगे जो करना है कर, मेरे को मेरे पैसे वापस दे दे. आप उसको कोर्ट में उसके अलावा चैलेंज नहीं कर सकते हो. अच्छा, एक पहले ये इसका मीनिंग देख लो, फिर हम लोग फर्स्ट कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज पे देखना, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड इज एन अनट्रू स्टेटमेंट मेड नोइंगली और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ और रेकलेसली केयरलेसली वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स विद द इंटेंट टू डिसीव. डिसीव मीन्स टू चीट, है ना, सामने वाले को धोखा देने के इंटेंशन से. मतलब आपको सही फैक्ट्स पता थे लेकिन फिर भी आपने गलत फैक्ट्स सामने प्रेजेंट किए. अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखना, रेमेडी. इट इज़ इमटीरियल वेदर द रिप्रेजेंटेशन टेक्स इफेक्ट बाई फॉल्स स्टेटमेंट और विथ कंसीलमेंट. द पार्टी डिफ्रॉडेड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, है ना. सो उस केस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. सो अब दो तरीके के आप लोगों ने पढ़े, पहला मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या होता है, प्रेजेंटिंग इनकरेक्ट, हाँ, और फॉल्स फैक्ट्स. कितने टाइप का होता है, दो. पहला इनोसेंट और दूसरा विलफुल. इनोसेंट में इज द ऑफरर अवेयर ऑफ करेक्ट फैक्ट्स, सो ऑफरर इज अनअवेयर ऑफ करेक्ट फैक्ट्स, उसको पता ही नहीं कि सच क्या है. इन केस ऑफ विलफुल, ऑफरर इज अवेयर ऑफ करेक्ट फैक्ट्स, आपको सब कुछ पता है कि सही बात क्या है. अच्छा, जानते हुए भी आपने गलत फैक्ट्स आगे प्रेजेंट किए, है ना. अच्छा, क्या रेमेडी है इन केस ऑफ इनोसेंट, यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो ना. अच्छा, कैन यू क्लेम डैमेजेस, हाँ, इनोसेंट में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो. और विलफुल के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड भी कर सकते हो एंड आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो. जैसे चीटिंग का केस लगा दिया, आपने कॉम्पनसेशन मांगा, 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन चाहिए, मैंने सेंटिमेंट्स हर्ट किए, मेरा दिल दुखा, मैं 7 दिन सो नहीं पाया, लगाओ पेनल्टी. ये कौन से केस में हो सकता है, विलफुल. कहाँ नहीं हो सकता, इनोसेंट. डन. रुकी रहो, इसके आगे नहीं पढ़ा रहा, बाकी कंटिन्यू कर लेते. थैंक यू.